कम बैक टू माय चैनल तो मैं आज आपको थर्ड जनवरी के दा हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ चलिए हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर पे हमारा एक आया हुआ है न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट ऑन ब्लॉक ठीक है तो न्यू कोरोना वायरस वेरियंट की यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यूज़ में क्या बता रहा है इसमें है इंडिया फर्स्ट केस ऑफ एक्स 1.5 वन पॉइंट फाइव सब वेरियंट ऑफ ओमडिकॉन कन्फर्म हुआ है कहाँ से गुजरात से ठीक है बाई नेशनल जीनोम सीक्वेंसिंग सिक्वेंसिंग ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट तो मतलब एक न्यू वेरियंट का केस कहाँ पे ओमिक्रॉन का हुआ है गुजरात में तो उसके बारे में हम हम टीवी में देखते हैं क्या बात की जा रही है इसमें है एक्स बीबी वन पॉइंट फाइव इज अ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट मीन्स इट्स अ जीनोम विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीनोम्स ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन ठीक है अब देखो इसमें क्या बात किया जा रहा है रिकॉम्बिनेंट मतलब मल्टीपल होते हैं यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो डिफरेंट स्ट्रेन हैं वहां पे देखा गया रिकॉम्बिनेंट वेरियंट का इन द यू एस इट इज अकाउंटेड फॉर फूड सेस बाई दिसंबर थर्टीन तो यू एस में देखा गया ये और इसमें है एक्स बीबी वन पॉइंट फाइव कुड बी मोर ट्रांसमिसबल ट्रांसमिशिबल देन इट्स इमिडिएट एंसेटर एंड सो फॉर इट्स डजेंट अपेयर टू बी एबल टू कॉ सीवियर डेथ तो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि डज नॉट अपियर टू बी एबल टू कॉज सीवियर डेथ मतलब ऐसा कोई सीवियर डेथ नहीं बताया गया एक्सपर्ट ने ये भी कहा है दैट एक्सपर्ट सेज दैट विद हाइब्रिड इम्यूनिटी इन इंडिया नो सब लीनियज इज लाइकली टू कॉज अ फ्रेश वे तो मतलब बस ये जान लो आप और हम आ, ये रिंग कॉम्बिनंट वेरियंट के बारे में भी इसमें दिया है तो उसके बारे में है कि हाँ मतलब मल्टीपल वेरियंट्स होते हैं इसके बाद यहाँ पे है व्हाट इज द न्यू डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बाय आसाम डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की जा रही है जिसको बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं पहले भी हमने डिस्कस किया है देख लेते हैं फिर से डीलिमिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी इज बेज ऑन रीजन टू ई एंश्योर ईच सीट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स तो ये इंश्योर करना कि इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स होने चाहिए सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ठीक है वाइल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वॉज नॉट टेकन अक्रॉस द कंट्री बिट कब हुआ था कंट्री में दो हजार दो से दो हजार आठ के बीच एंड इट वॉज नॉट कैरीड आउट इन आसाम फॉर अदर स्टेट आफ्टर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स बाई सिटिंग वेरियस रीज़न मतलब बहुत सारी रीजन की वजह से आसाम और कुछ स्टेट्स में नहीं हो पाया था डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूटिंग डिलिमिटेशन कमीशन इन ट्वेंटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन टू यूज ट्वेंट टू थाउजेंड एंड वन सेंसस डेटा एंड सेक्शन एट ए ऑ ऑफ़ रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हैज़ रेज हैकल्स तो मतलब ये इसके प्रोविजन के अंदर ये करने की यहाँ पर बात की जा रही है डीलिमिटेशन के बारे में बात की जा रही है देखो डिलिमिटेशन इज प्रोसेस ऑफ वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है ठीक है तो डिलिमिटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी नोट्स भी बनाया है शॉर्ट नोट आप पीछे जाके देखना तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर ठीक है अब यहाँ डीमोनीटाइजेशन की बात हो रही है देखो वेगिंग आउट द गन्स एंड लॉसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का आप सबको पता है कि क्या हुआ था डीमोनेटाइजेशन में पाँच सौ हज़ार की करेंसीज बंद रिप्लेस की गई थी ठीक है बंद होकर नई करेंसी आई थी देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है वो जज ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी टू फाउंड नो फ्लॉज इन गवर्नमेंट डिसीजन टू डीमोनेटाइज फाइव हंड्रेड एंड वन थाउजेंड करेंसी नो थ्रू आ गैजेट नोटिफिकेशन नवम्बर ए टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन तो आपको ये पता ही है कि आठ नवंबर दो हज़ार सोलह को ये किया गया था और ये भी बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाउंड किया है कि कोई भी फ़्लॉज नहीं मिले जो नोटबंदी की गई थी उस पर कोई भी फ्लॉज नहीं मिले ठीक है The sole woman judge, Justice B. E. V. Uh, Nagarathana, on the bench, however, disagreed with the majority, saying demonetization exercise undertaken on the government initiative and based on the monetization process against in state of voluntary registration in the parliament was plainly unlawful and uh, vitiated. And Manmohan Singh writes about uh, the havoc its uh, wreaked on the lives of common men. तो मतलब कुछ लोगों ने बोला कि ये चीज़ें बहुत लोगों को इफ़ेक्ट भी की अब देखो हर चीज़ जो होती है उसमें हमेशा क्रिटिसिज्म भी होता है कुछ लोग पक्ष में होते हैं कुछ लोग विपक्ष होते हैं तो ये वहीं पे ये भी बात यहाँ पे की जा रही है ठीक है ओके तो वही अब इससे रिलेटेड और भी आर्टिकल्स आएंगे तो हम वहाँ पे और भी देखेंगे बाकी इससे रिलेटेड हम शॉर्ट नोट में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ओके आगे आएंगे देखेंगे नेक्स्ट ओके तो डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड बहुत लोगों को पता होगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पुअर जो भी हैं गरीब सेक्शन के लोग उनको हुआ था कॉमन मैंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि एक स्पेसिफिक ये था कि लोग आए बैंक में अपना जमा कर दे ठीक है और नया नोट ले जाएं पर इससे क्या हुआ था प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हुई थी कि लाइन इतनी लंबी लग रही थी और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी चीज़ें चीज़ों का सामना करना पड़ा था आपने होगा क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग कैश में पैसे रखते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है ऑनलाइन गेम मस्ट रजिस्टर्ड मस्ट रजिस्टर्ड विद द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी सेज़ ड्राफ्ट रूल ऑनलाइन गेमिंग के बारे में है इसके रिलेटेड हमने पहले देखा है और आगे अगर आएगा तो और भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं देखो इसमें है द प्रपोजल एम्स टू बिंग ऑनलाइन गेम विद इन द एम्बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021 के तहत इसको बोला जा रहा है इट इज़ नॉट क्लियर इफ गेम्स रिकॉगनाइज इन कोर्ट एज गेम ऑफ स्किल विल कंटिन्यू टू बी एबल टू ऑपरेट अंडर दिस पॉलिसी ये नहीं पता अभी कि इस पॉलिसी के अंडर ये रहेगी मतलब ये अभी बात चली है तो आगे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो हम वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर आया है क्या बट एस टी कमीशन होल्ड इट्स ग्राउंड ऑन इम्पैक्ट ऑफ न्यू रूल्स ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट के लेके बात हो रही है तो आप यहाँ पे देखो इसमें है इन अ साइन ऑफ एक्सकलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एन सी एस टी ओवर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल ट्वेंटी ट्वेंटी टू पैनल चेयरपर्सन हर्ष चौहान ऑन मंडे सेज पोजीशन ऑन न्यू रूल बीइंग वॉल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 तो वो ये बोल रहे हैं कि जो पोजीशन है न्यू रूल की वो क्या कर रही है वो वायलेट कर रही है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का और इसमें बोल रहे हैं कि विल बी द सेम इवन एज इन्वामेंट मिनिस्ट्री हैज़ डिसमिस दिस कंसर्न तो मतलब बोल रहे हैं वो वायलेशन है उनका कहना है ये ठीक है पैनल कंसर्न भी यहाँ पे बताया गया अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो देखेंगे इन रिस्पॉज मिस्टर यादव हैज़ इंसिस्टेड दैट द रूल वर फ्रेम अंडर रूल फ्रेम हुआ है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन एन सी एस टीज अप्रिहेंसन और दीज रूल्स वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट टू थाउजेंड एंड सिक्स इट इज नॉट लीगली टेबल ठीक है अब यहाँ पे देखो चीज है इससे चीज़ें पता चल जाएंगी क्लियर होंगी पैनल हैड पॉइंटेड आउट दैट द एफ सी आर मतलब फॉरेस्ट राइट एक्टी ट्वेंटी डन अवे विद द क्लॉज टू मंडेट्री मंडेट्रियली सीक कंसेंट ऑफ मतलब क्या जरूरत है कि कंसेंट लेने की जरूरत है ग्राम सभा ठीक है कब बिफोर स्टेज ऑफ क्लियरेंस इवन आफ्टर स्टेज टू क्लियरेंस मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस लिए चाहे वो स्टेज वन का हो या स्टेज टू का हो जरूरी क्या है ग्राम सभा की का कंसेंट लेना ठीक है इन सच्चा सिनारियों प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैविंग रिसीव